नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके लिए वीकली फोरकास्ट और 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सबके लिए। इस वीकली फोरकास्ट का बेस है आपका मून साइन, आपकी चंद्र राशि। इस वीकली फोरकास्ट का बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। इस वीकली फोरकास्ट का कोई लेना देना सन साइन प्रेडिक्शन से नहीं है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं। वीकली फोरकास्ट को फॉलो करें अपने मून साइन, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक और भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। आप सबके लिए वीकली फोरकास्ट 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आप सबके लिए। वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस और हैसल्स आपके सामने होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है एरीज, इसमें आपके सोल्यूशन, आपकी जो प्रॉब्लम्स के आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, खर्चे भी बढ़ चढ़ के होंगे, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क वो बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। अपनी आई साइट का बहुत ध्यान रखें, अचानक बड़े खर्चे बढ़े हुए होंगे, प्रोफेशनलों के साथ कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे और आपका गोल लक्ष्य आपको मिलेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से अच्छी होगी। ये टाइम पीरियड सोशल रिलीजियस इवेंट्स में आने जाने का होगा। आपका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ड्राइव, डिसिप्लिन, फोकस आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा, कॉम्प्लिकेशन आपकी खत्म होगी। अपनी मैरिज रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखें, आप बहुत बिजी होंगे, नए प्रोजेक्ट आपके बनेंगे, वेंचर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको फ़ौरन से मिलेंगी। बहुत फोकस रहने की ज़रूरत है, जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं इस समय, तभी वो प्रोजेक्ट आपका पूरा कंप्लीट होगा। जितना फोकस, डिसिप्लिन इस समय आप कर रहे हैं, वही आपकी कामयाबी का बेस बनेगा। आपके रूटीन में प्रोग्रेशन है, स्टेटस मैसेज में राइज आपको मिलेगी, लेकिन बहुत केयरफुल रहें अपनी रिलेशनशिप को लेकर, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को लेकर, हार्ड अथॉरिटी से कैसे डील करना है। ये टाइम पीरियड आपके बहुत सारे प्लान मटेरियलाइज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई एफर्ट आपको करनी पड़ेगी अपनी कामयाबी के लिए। आपकी एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना होगा। प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे और उनसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फाइनेंशियल गेन आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपनी जुबान, अपने टेम्पर, अपने बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल करें। ये विचार ऐसा है कि इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके अकम्प्लिश होंगे, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होंगी। हेडेक से, स्ट्रेस लेवल से, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से बचें। अपने प्रेजेंटेशन का रिव्यू लेते रहें, अपने मैनरिज्म को इम्प्रूव करते रहें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। इस समय जितना गुस्सा करेंगे उतनी मुश्किलें, उतना नुकसान आपका होगा। आप प्लान्स को मटेरियलाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको। अपने विजन को बार बार रिफ्रेश करते रहें, किसी सुपरफिशियल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ना जाएं और कोई बनावटीपन ना लेके आए। आपकी एफर्ट्स का ही रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। आप अपने बेस को, अपने प्रोफेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप इंप्रूव होते रहेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें। खास तौर पे इस समय किसी पर भी आंख बूंद के विश्वास ना करें, हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें और दिमागी तौर पर बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए थोड़ा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम लें। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे, उतनी कामयाबी आपको मिलेगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, खर्च को कम करने की कोशिश करें। टॉरस के लिए वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक में अंदर फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी। सपोर्ट, जो हेल्प चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी, कंफर्ट में राइज होगी। टेम्पर और फाउल टेम्पर, हेडेक से बच के रहें, आई साइट इन्फेक्शन से बच के रहें। डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन आपकी बहुत होगी। जनरल हेल्थ वेलबींग के अंदर स्ट्रगल बहुत होगा, जिसका रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। इनकम के रिसोर्सेज आपके होंगे। प्रोफेशनल फ्रेंड की साथ, हेल्प के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी रिजॉल्व होंगी। जितना आप डिटर्मिन, डिवोटेड, डिसिप्लिन होंगे, उतनी आपकी तरक्की होगी। टॉरस, ये टाइम पीरियड फाउल टेम्पर और अग्रेसिव एटीट्यूड से दूर रहें और अपने आप को ट्रैक पर रहें। पॉजिटिव बने, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने, डायनामिक बने। कॉम्प्लिकेशन हेल्थ को लेके हो सकती है। इस समय लेजी ना बने, ले बैक एटीट्यूड ना लें। एल्डर्स के, बुजुर्गों के हेल्प के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, लेकिन बुजुर्गों को सुनना भी होगा। बहुत सारे इश्यूज आपके हो सकते हैं। घर में खुशहाली के फंक्शन भी होंगे, खर्चे आसमान की बुलंदी तक होंगे। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। प्रोफेशनल डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन से बच के रहें। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल गेन आपका नॉमिनल होगा, भागदौड़ बहुत होगी। फिजूल के खर्चों से दूर रहें। और इस समय मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत है,
उसके मुताबिक अचीवमेंट इस समय नहीं होगी। एफर्ट अपनी लगातार लगाते रहें, हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, फोकस, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, ड्रिवन, जो आप जितना आप ड्रिवन होंगे उतनी सक्सेस आपको मिलेगी, जितना आपका जोश होगा, क्रिएटिविटी होगी, उतनी आपके सिचुएशन में जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। खर्चे आसमान की बुलंदी तक होंगे, जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आप ले लें, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। वीकेंड तक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, प्रोफेशनल हैसल जो होंगी वो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। फ्लो ऑफ इनकम और फाइनेंशियल बैकिंग का बहुत ध्यान रखना होगा, और इस टाइम पीरियड में अपनी रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंस ओपिनियन हो उसको रिजॉल्व करें। डोमेस्टिक सिचुएशन में पैशन लेके आए, अग्रेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेके आए, लव अफेक्शन लेके आए, फ्रिक्शन या जेलसी नहीं। इस समय फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, कई बार बहुत बातों पे आप डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे, लेकिन आप उन डिसअपॉइंटमेंट को लेके बैठे ना रहें, उन पे काम करें, जुबान अपनी मीठी रखें और मैनरिज्म को इम्प्रूव करते रहें। टेम्पर आपका जितना कम होगा, अग्रेसिव अप्रोच जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, और बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनसे बचें। बहुत सारे प्रोफेशनल प्रोग्रेशन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, प्रोफेशनल और बहुत सारे प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बहुत अपसेट भी होंगे, बहुत अनॉयड भी होंगे। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें, थोड़ा सोच समय के चले। जेमिनी, इस आने वाले वीक का जो कंक्लूजन है वो आपके समक्ष। इस पूरे वीक के अंदर अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी में आपकी राइज होगी, प्रोफेशनलों के साथ, डिसीजन मेकर के साथ आपके कॉन्टैक्ट मिलेंगे, और उनकी हेल्प के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। इस पूरे वीक के अंदर ऑफिशियल लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच के रहना होगा, और हायर अथॉरिटी का आपको सम्मान करना होगा। इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होगी, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होगी, और उनसे आपको जूझना पड़ेगा, उनसे ओवरकम होना पड़ेगा, और शायद टेक्निकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम के रिसोर्सेज पहले से अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों मित्रों की हेल्प के साथ आपके इनकम के रिसोर्सेज बन सकते हैं। फैमिली के अंदर खुशी का फंक्शन होगा, हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। भागदौड़ बहुत होगी, खर्चे भी बहुत होंगे, इनकम के रिसोर्सेज पहले से अच्छे होंगे लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो कोई नई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा शक ना करें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी। भागदौड़ बहुत होगी, सपोर्ट जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। स्टेटस प्रेसेज में आपकी राइज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके बन जाएंगे। डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से बेचैनी बहुत होगी, हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा अपनी सक्सेस को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर। कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनको उनमें से निकलना पड़ेगा। प्रोफेशनलों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप करने पड़ेंगे। डिसीजन मेकर की सपोर्ट से आपके कई काम बनेंगे। कई बार आपकी आमदन कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन हेल्थ और फिटनेस का बहुत ध्यान रखें। प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात तो बनेंगे, और उनसे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको। हार्डवर्क जितना करेंगे उतना कम, उतनी आपकी एफर्ट, जितना एफर्ट डालेंगे ना उतने बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। स्टेटस प्रेसेज में राइज आपकी हो जाएगी, इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे, खर्चे भी बड़े होंगे लेकिन कई जगह पे खर्च आपको करना भी पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड फैमिली रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंस ओपिनियन ना लेके आए, घरेलू जिंदगी के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े ना लेके आए, और रूटीन के अंदर प्रोग्रेशन और राइजिंग आपको मिलेगी। और ओवर एक्साइटेड होने की बजाय काम डाउन रहें, और किसी बात को लेकर कैरिड अवे होके कोई इतना बड़ा फैसला ना करें कि बाद में वो फैसला करके आपको पछताना पड़े। हालात में तब्दीली है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के स्ट्रेटजीज आपके बनानी पड़ेंगी। चैलेंजेस हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ये भी समझें। इस समय बहुत सारे मेजर स्ट्रगलफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जूझना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व भी होंगी, लेकिन जो सपोर्ट हेल्प चाहते हैं वो आप ले लें। अग्रेसिव होने की बजाय, जल्दबाजी करने की बजाय विचार कर लें। कुछ सीक्रेट टेंशन आपकी होंगी जो शायद किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, खर्च भी आपके बड़े होंगे, और लेकिन सोच समय के चले। वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे प्रोफेशनल लोगों को लेके। इस आने वाले वीक में सोशल और रिलीजियस इवेंट्स में आपका आना जाना बहुत होगा। इस आने वाले वीक के अंदर स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी।
बहुत सारे इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, वेंचर्स आपको मिलेंगे। इस आने वाले वीक में फैमिली डिफरेंस ओपिनियन की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी। इस आने वाले वीक में लीगल आर्गूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, आपके दिमागी तौर पर बहुत बेचैनी होगी और कई बार मन में संतुष्टि नहीं होगी। इस आने वाले वीक में बहुत सारे खर्च भी होंगे, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन खर्च भी आपका बहुत होगा। इस आने वाले वीक में जो सपोर्ट आप चाहते हैं, इनकरेजमेंट चाहते हैं, जो डिसीजन मेकर की सपोर्ट चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। पूरे वीक के अंदर फॉरेन प्रोजेक्ट आपके बन जाएंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उनसे आप अपने अकम्प्लिश कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। वीकेंड तक प्रोफेशनल प्रोग्रेशन आपका होगा, स्ट्रगल आपका रिवार्डफुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्ट्रगल होगा। अधूरे पड़े काम आपके बनेंगे, खर्चे आसमान की बुलंदी तक होंगे, सपोर्ट एनकरेजमेंट आपको मिलेगी, नॉलेजबिलिटी स्किल सेट आपकी मानी जाएगी, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। गुस्से की आंच को कम करें, तमीज़ से पेश आए, बुजुर्ग से ज़्यादा टेंपर लूज ना करें, बहुत केयरफुल रहें। अगर आप फैमिली इनहेरिटेंस को डील कर रहे हैं, लीगल ऑब्लिगेशन बहुत सारी होंगी, इनको सोच समय के डील करना होगा। किसी के साथ भी वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं, फ्रॉड से, चीटिंग से, डिसेप्शन से बच के रहें। और इस समय हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, सिक्योरिटी इश्यूज को लेके किसी को पैसा उधार भी ना दें, जरूरत से ज़्यादा अग्रेसिव ना बने। और थोड़े बहुत उपयोगों के साथ डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उसको वाइजली हैंडल करें, हर डिफरेंस ओपिनियन को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्ट नहीं करें। प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन बहुत होंगे, चीटिंग डिसेप्शन से बच के रहना होगा, हेल्थ का बहुत ध्यान रखा, भागदौड़ बहुत होगी, फ्रूटलेस लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट से बचें। और इस समय जितना हो सके थोड़ा तमीज़ से पेश आएँ, थोड़ा कूल डाउन काम डाउन रहें। जितना आप परफॉर्मेंस को पॉलिश करेंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट आपको होगी। और ये भी कहना चाहूँगा, आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल सेट अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको पॉलिश करते रहें। खर्चे कई बार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पैसे स्पेंड करते हुए कैरिड अवे ना हो, ऐसी भी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाएं जिससे आप कर्जे चढ़ा के बैठ जाए। गैम्बलिंग में पैसा ना लगाएं, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, वो पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। अपनी सोच को थोड़ा दुरुस्त करें, और कोई आपको ये शॉर्टकट मेथड बताए सक्सेस ऐसे हो जाएगी और आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, आपको टाइम, झूठ, किसी के झूठ और फ्रॉड में ना फंस जाएं, विचार करें और हर किसी की कही हुई बात को सच भी ना मान लें। अपने आप को छोटे मोटे एक्सीडेंट से या चोट लगने से बचा के रखें, खासतौर पर जहाँ तक सवाल आपके पैरों का है, लेग्स का है, थोड़ा ध्यान रखें। इस आने वाले वीक के अंदर फैमिली रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी टेंशन होंगी, और इस समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपको सॉर्ट आउट करनी भी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपने प्लान को मटेरियलाइज कर सकते हैं, लगातार एफर्ट लगाते रहें। फैमिली रिलेशनशिप डिफरेंसेस को आपको रिजॉल्व करना होगा, गुस्से की आँच को कम करें, हेल्थ और स्टेबिलिटी लेके आएँ। इस समय अपने आपको एक्सीडेंट से, चोट वोट से बचा के रखें। जितना गुस्सा कम करेंगे उतना आप ठीक रहेंगे, जितना टेंपर ज़्यादा लूज करेंगे, अग्रेसिव ज़्यादा बनेंगे, उतना आपका नुकसान होगा। आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन से बचें, ऐसा कुछ ना करें जो बर्बादी का कारण बने। भागदौड़ आपकी बहुत होगी, खर्चे आपके बहुत होंगे, इस समय एक्सपेक्टेड प्लानिंग आपकी मटेरियलाइज हो जाएगी। जिस समय बहुत हार्ड वर्क आप करना चाहते हैं, विचार कर लें, आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलेगा। फैमिली रिलेशनशिप के इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, अपनी फैमिली रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग को ध्यान से लें, फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रॉपरली डिस्प्यूट्स को हैंडल करें। और इस समय सीक्रेट टेंशंस आपकी बहुत होंगी, सोच विचार करके चलें, खर्चा आपका बहुत होगा लग्जरीज पे, लाइफस्टाइल पे, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके। और डिसअपॉइंटेड आप बहुत होंगे, स्ट्रेस आपका बहुत होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आपके बहुत होगा, बहुत सारे प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगे। बहुत केयरफुल रहें जब अपनी लीगैलिटी को लेके, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल से बचना होगा, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से बचना होगा, बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है फिजूल की रनिंग अराउंड में, पैसा आपका बहुत खर्च होगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में, स्ट्रगल आपका बहुत होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो सकते हैं, आपको डील करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी सक्सेस के लिए। इनकम के रिसोर्सेज होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े साथ में लिमिटेशंस भी होंगे, भागदौड़ बहुत होगी, गाड़ी या प्रॉपर्टी की डील में आप शामिल हो सकते हैं, स्ट्रगल आपका फाइनेंशियल गेन और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, लेकिन रनिंग अराउंड बहुत होगी, केवल लोगों से डिफरेंस ओपिनियन बहुत होंगे प्रोफेशनली, उनको आपको डील करना पड़ेगा। गुस्से की आंच को कम करें, टेंपर लूज ना करें, उससे नुकसान होगा। बहुत सारे मेजर चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ेगा,
लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लगातार एफर्ट लगाएं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, हर डिसीजन में पागलपन, गुस्सा, टेम्पर लेके ना आए, ईगो ना लेके आए, और सीरियसली आपको वर्किंग स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना होगा। हार्डवर्क जितना होगा उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी। वीकेंड तक प्रोफेशनलों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। सर दर्द, ब्लड प्रेशर से, डोमेस्टिक आर्गुमेंट से, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें। वर्गो वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक के अंदर आपको हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन से बहुत जूझना पड़ेगा। प्रोफेशनल हैसल्स भी बहुत होगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें वर्गो। ये टाइम पीरियड में हर काम में देरी होगी, कोई काम ढंग से ना बन पाएगा, बहुत सारी टेंशन, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन हर जगह होगी। इस समय फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा, लोगों के साथ डिफरेंस ओपिनियन ना हो। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी। पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर का बहुत ध्यान रखें। इनकम कई बार लो होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे वर्गो, भागदौड़ बहुत होगी। जो सपोर्ट और हेल्प चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। फ्रूटलेस रनिंग अराउंड बहुत होगी। हर काम में रुकावट होगी, फिजूल की बातों पर टेंशन बड़ी होगी। पास किए एफर्ट्स का यूनिक रिवार्ड आपको मिलेगा, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं या आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें। बहुत सारी फ्लक्चुएशन, बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, बहुत बातों पे टेंशन होगी। फैमिली के साथ चीटिंग रिलेशनशिप या डिसेप्शन या फ्रॉड के अंदर, फैमिली के अंदर ऐसे हालात हो सकते हैं उसका कोई फैमिली आपके शिकार ना बन जाए, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड का शिकार ना बन जाए। बहुत बिजी रहेंगे, इनकम के रिसोर्सेज एक से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बहुत रनिंग अराउंड के बाद ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। शनि की ढैया है, उसकी वजह से कई बार मन में उदासी बड़ी होगी। अपनी कम्युनिकेशन लोगों के साथ ठीक रखें, अपनी कम्युनिकेशन में किसी के साथ लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना होने दें, टेम्पर लूज ना करें, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ना बने, कॉमन सेंस ऑफ अप्लाइड विजडम को लेके आएँ। अपने आप किसी के साथ वर्बल फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट ना बनाएं। अगर आप ज्वाइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें। फ्रूटलेस रनिंग अराउंड बहुत होगी, फजूल कामों में टाइम भी बड़ा वेस्ट होगा, एनर्जी बड़ी वेस्ट होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। इस समय अपने आप को फाइनेंशियल लॉसेज से बचा के रखें। अगर आप ज्वाइंट बिजनेस वेंचर के अंदर हैं तो विचार कर लें, आपका हार्डवर्क, डिवोशन, डिटर्मिनेशन आपकी मदद करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़्यादा होगी। अपने टेम्पर, अपने बिहेवियर का ध्यान रखें। वीकेंड तक अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। लिब्रा वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक में खर्चे आसमान की बुलंदी तक होंगे, और कई बार प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होंगे जो बड़े लगातार बदलते जा रहे होंगे। लोगों के साथ फिजूल बातों पर ओपिनियन क्लैशेज हो सकते हैं, विचार करके चलें। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, दिमागी टेंशन भी बहुत होगी, हर काम में रुकावट होगी, बनते बनते कामों में अड़चनें बड़ी होंगी। सोशल इवेंट्स, रिलीजियस इवेंट्स आपके बहुत होंगे। आपकी एफर्ट्स, आपका हार्ड वर्क आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, नए रास्ते निकालेगा प्रॉस्पेरिटी के। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग आपकी होगी, भागदौड़ बड़ी होगी, खर्चे भी आसमान की बुलंदी तक होंगे। इस समय अपने पार्टनरशिप इशू से अपने आप को बचा के रखें, और पार्टनरशिप हो तो लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आए। बहुत सारे प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। आमदन कई बार लो होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, कॉम्प्लिकेशन आपकी बहुत होगी, हैसल्स भी बहुत होंगी, कंफर्ट में राइज होगी। और इस समय हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। फैमिली क्लैशेज हो सकते हैं, बहुत केयरफुल रहें जब आप ट्रैवल करें। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी आपको, डिपेंड करता है आपका फोकस कहाँ है, आपकी ड्राइव, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी कहाँ पर है। अगर आपके पास इस समय वो आपके साथ ही है तो आप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी, और आपको उसका यूज़ भी अच्छा कर लेंगे आप, ये भी पक्की बात है। और ये टाइम पीरियड हार्डवर्क सक्सेस का बेस बनेगा। टेम्पर अपना कम करें, फजूल की बातों में लड़ाई झगड़े से बचें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचना होगा। और बहुत ज़्यादा माँ बाप की आशीर्वाद भी लें, उनकी सपोर्ट भी लें, उनसे बात भी शेयर करें। रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। और ये टाइम पीरियड अपने कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करते रहें, आपकी सोची समझी प्लान मेटेरियलाइज कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड इनकम के रिसोर्सेज बन सकते हैं, भागदौड़ बहुत होगी, केयरफुल रहें अपनी फाइनेंशियल डीलिंग को लेके, खर्च आपका आसमान की बुलंदी तक होगा। अपने राइवल्स पर नज़र रखें, आपके दुश्मन आपको बेवकूफ़ बना के आपका नुकसान कर सकते हैं। चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा, और बहुत सारे बनते बनते कामों में अड़चने बड़ी होंगी। दिमागी तौर पर अपने आप को स्ट्रेट रखें, वाइंड अप ना करें, नेचुरली वाइंड अप होने की ज़रूरत नहीं। अपने विजन को रिफ्रेश करते रहें, ड्राइव, डिटर्मिनेशन, डिवोशन इन्वेस्ट करें, डिसिप्लिन अपने रूटीन के अंदर, सक्सेस मिलती जाएगी। खर्च और भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी,
फैमिली के साथ मिलना जुलना बहुत होगा और बहुत आप इंजॉय भी करेंगे। और इस समय ये भी है कि अनफिनिश अधूरे पड़े काम आपके मुकम्मल होंगे, खर्चे आसमान तक की बुलंदी तक होंगे, लेकिन कई बार इन्वेस्टमेंट के रूप में भी खर्चे होंगे। स्कॉर्पियो वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल और फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन बहुत होंगी, आपकी हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, हेडेक, आई इन्फेक्शन, ऑफिशियल हैसल से बचें, अपने आप को प्रिपेयर करें प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचें, आपका हार्ड वर्क, आपकी विजडम, आपकी कॉमन सेंस आपके लिए इनकम के रिसोर्सेज लेके आएगा, आपकी फैमिली रिलेशनशिप के डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं, इनहेरिटेंस को लेके कॉम्प्लिकेशन बहुत हो सकती है, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें, अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, विचार कर लें, आपका फाइनेंशियल गेन इनकम रिसोर्सेज गवर्नमेंट सर्विस से भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है, फैमिली कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, फैमिली अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर वर्कआउट करना पड़ेगा, टेम्पर बहुत राइज करेगा, ओवर एक्साइटेशन बहुत होगी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, कई डिफरेंस ओपिनियन आपके हो सकते हैं, आपका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ड्राइव तरक्की लेके आएगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे लग्जरीज पे, लाइफस्टाइल पे, आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर बहुत ध्यान देना होगा, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें अपने डिसीजन को लेके, चॉइसेस को लेके, बहुत सारे चेंज ऑफ प्लेस के बारे में विचार करना होगा, सपोर्ट गाइडेंस जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, डिग्निफाइड रिजल्ट आपको मिलेगी, आपकी अचीवमेंट खुशहाली लेके आएगी, नाम लेके आएगी, तरक्की लेके आएगी, और ये टाइम पीरियड आपकी आपका इंथूजियाज जितना आप बूस्ट करेंगे उतने आपके अधूरे पड़े काम बनेंगे और फॉरेन प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे, रिवार्ड देंगे, फॉरेन प्रोजेक्ट्स की तरक्की पे होंगे। सैटर्न की साड़सती है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर कुछ खराबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, और ये भी हो सकता है कि जो आपकी एफर्ट है उसका रिवार्ड जैसा आप चाहते हैं कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल सकता है, कई बार नहीं भी मिल सकता। प्रोफेशनलों के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखें, लेकिन कई बार आपको अपने व्यवहार को बदलना होगा अच्छे के लिए, डीलिंग कंडक्ट को चेंज करना होगा अच्छे के लिए। सैटर्न की साड़सती की वजह से शारीरिक तौर पे कई बार थके हुए होंगे, अगर बॉडी में कोई शार्प पेन हो विचार कर लें, डॉक्टर से चेकअप करवा लें, कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे नए नए मौके आपके हाथ में आ सकते हैं, एफर्ट्स को जारी रखें, वेल थॉटफुल एफर्ट को जारी रखें, आपकी डीलिंग बाइंग और सेलिंग एसेट्स में हो सकती है, बहुत सारी डील्स आपकी बन सकती हैं, आपके नए नए कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, बहुत सारा भागदौड़ भी होगी, फैमिली टेंशन भी हो सकती है कई बार डिफरेंस ओपिनियन को लेके, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत डिटर्मिंड हैं, प्रोफेशनल के साथ कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, सपोर्ट और गाइडेंस आपको मिलेगी, अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे, हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी आपके मुकद्दर में चार चांद लेके आएंगे। सैजिटेरियस वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक के अंदर सैजिटेरियस फैमिली रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन डिफरेंस ओपिनियन बहुत सारे होंगे, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलते जाएंगे, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें, आपका खर्च बहुत ज़्यादा होगा, मेंटली बहुत टेंस होंगे, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होंगी, आपका खर्च बहुत ज़्यादा होगा, मेंटल टेंशन बहुत हो सकती है, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन, हेडेक से जूझना पड़ेगा, आई इन्फेक्शन हो सकती है, सीक्रेट टेंशन आपकी बहुत होंगी, प्रोफेशनल गेन के अंदर राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी के अंदर राइज होगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, खर्चे भी बहुत बड़े बड़े आएंगे, सपोर्ट और इनकरेजमेंट जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, भागदौड़ बहुत होगी, ओवर सस्पिशियस ना बने और चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें, नए प्रोजेक्ट आपके शुरू होंगे, नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल और फैमिली कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, रिलीजियस सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत जाना लगेगा, वीकेंड तक फाउल टेम्पर और आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से दूर रहें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशन हैसल से बहुत ज़्यादा भागदौड़ बहुत होगी, आपकी डिटर्मिनेशन आपकी सक्सेस लेके आएगी ये पक्की बात है, बिजी बहुत होंगे, बहुत सारी सपोर्ट इनकरेजमेंट आपको लेनी पड़ेगी और मिल भी जाएगी, फॉरेन प्रोजेक्ट में सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े रुकावटें आपके खत्म हो जाएंगी, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप का ध्यान देना होगा, अपनी प्रेजेंटेशन और डीलिंग पे थोड़ा एफर्ट डालें,
रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, कामकाज में रुकावट है, हर काम को मटेरियलाइज करने में रुकावट है, लेकिन फिर भी आपको लगातार एफर्ट डालते रहना होगा। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कोई तलखी या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। फाइनेंशियल गेन एक्सपेंडिचर दोनों राइज करेंगे और आपकी डोमेस्टिक फैमिली और मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। हर बात पे अपसेट और डिसअपॉइंटेड ना हो, हर बात पे पागलों की तरह गुस्सा भी ना करें। ह्यूज फैमिली रिलेशनशिप आर्गूमेंट से बचे, मेजर फैमिली फ्लक्चुएशन से बचना होगा। अपने डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, फैमिली आर्गूमेंट से दूर रहें, किसी पर भी आंख मूंद के विश्वास ना करें और बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहें तो अच्छा रहेंगे। सैटर्न की साथ साथ ही इसकी वजह से टेम्पर अग्रेसिव अप्रोच से स्टबर्न एटीट्यूड से दूर रहें। अपने एटीट्यूड कंडक्ट डीलिंग पर बहुत ध्यान देना होगा और अपने आप को बैलेंस रखना होगा, नहीं तो आपके बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपकी ऑफ एफर्ट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए और लगातार उसमें एफर्ट लगाते रहें। पार्टिसिपेट बहुत करेंगे सोशल इवेंट्स में, रिलीजियस इवेंट्स में, रनिंग अराउंड भी बहुत होगी। अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करें और टाइम को ऑर्गेनाइज करें, मेक श्योर करें कि आप हाईली एक्टिव प्रोडक्टिव रहें। अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, टेम्पर बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, बेचैनी भी बहुत होगी, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन को ध्यान रखना होगा। अपनी फैमिली हेल्थ और हैप्पीनेस को ध्यान में रखें, विचार कर लें, दूसरों को सुनना होगा, लव अफेक्शन केयर फैमिली में लेके आना होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पर थोपे नहीं। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज हो सकती है, थोड़ी बहुत नॉनसेंस सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल लाइफ का है। और वीकेंड तक अपने आप को सरदर्द आई इन्फेक्शन से बचा के रखें। लीगल किसी भी लीगल मसले को बहुत ध्यान से लें और किसी सलाहकार से, लीगल कंसल्टेंट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। लड़ाई के मामले में अग्रेसिव ना हो, अकल से काम करें, सिर्फ गुस्से और पागलपन से नहीं। नो वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले का वीक का जो वीकली कंक्लूजन है, इसमें आपको अपने टेम्पर बहुत ध्यान रखना है, फैमिली रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग पे बहुत विचार करना है। ऐसा मैटर जिसका ताल्लुक इनहेरिटेंस से हो उसको बड़ा डेलिकेटली डील करना है। बहुत सारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, कई बार आपका एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा नहीं। हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा अपने सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर। जो सपोर्ट आप चाहते हैं, एनकरेजमेंट चाहते हैं, कई बार वो आपको मिल तो जाएगी लेकिन बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, इस समय आपने राइवल्स पर नज़र रखी, अनसर्टेनिटीज बहुत होंगी, इसको आपको ओवरकम करना है, एक्सीडेंट से बचा के रखें। खर्च आपका आसमान की बुलंदी तक होगा, टेंशन और हेल्थ इशू से बच के रहें। आपके फाइनेंशियल गेन आपको बाहर लेके जा सकते हैं और कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं कि आप फ़ौरन जा सकते हैं। फिजूल के कामों में पैसा वेस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा डिटर्मिन डिवोटेड डिसिप्लिन में रखेंगे तो तरक्की आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। कॉन्स्टेंट एफर्ट लगाते रहें, डिटर्मिनेशन ड्राइव, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी, स्टेटस प्रेसिस में राइज होगी। अपने टाइम को वेस्ट ना करें, फ्रूटलेस एक्टिविटीज़ में ना जाएं। बहुत सारे प्रोफेशनल स्ट्रगल में से गुजरना पड़ेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करेगी। बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखें, इंथ्यूजियाज्म राइज होगा। सैटर्न की साढ़े सती है, उसकी वजह से फैमिली डिफरेंसेस बहुत होंगे, कई बार अधूरे पड़े काम संपूर्ण ना हो पाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके नहीं भी बनेंगे, आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, सक्सेस तभी मिलेगी। बहुत ज़्यादा बिहेवियर के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर ना करें, स्टबर्न एटीट्यूड से दूर रहें, तो बर्बादी होगी। आप अपने प्लान को मटेरियलाइज कर सकते हैं। सैटर्न के साढ़े सती की वजह से सीक्रेट टेंशन बहुत होंगे जो किसी के साथ शेयर नहीं भी करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको अपनी कामयाबी के लिए भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एक्टिविटी, आपका हार्डवर्क सक्सेस लेके आएगी। बहुत बिजी रहेंगे, बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, बहुत फोकस रहेंगे, बहुत डिटर्मिन रहेंगे। स्टेटस प्रेसिस में राइज होगी, बहुत भागदौड़ भी होगी, बहुत सारी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, हार्डवर्क आप करेंगे, सक्सेस मिलेगी। आपके फॉरेन प्रोजेक्ट आपको सक्सेस लेके आएंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहे, सक्सेस आपको मिलती रहेगी। हालात में इंप्रूवमेंट होगी, सर्कमस्टांसेस में इंप्रूवमेंट होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से अच्छी होगी, बहुत बिजी रहेंगे, फॉरेन प्रोजेक्ट आपके सक्सेसफुल होंगे, रिवार्डेड होंगे। आपका हार्डवर्क आपके डिग्निफाइड रिवार्ड्स लेके आएगा, आपकी एक्सपेंडिचर में राइज होगी, हालात में इंप्रूवमेंट होगी। आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है, सीक्रेट टेंशन से बच के रहें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। अक्वेरियस वीकली कंक्लूजन, इस आने वाले वीक के अंदर इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी होगी हालात के अंदर।
आपके अधूरे पड़े काम बन जाएंगे। सोशल और रिलीजियस इवेंट्स में आपका आना जाना बहुत होगा। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन आपकी पहले से ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी आप उस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। अपने फैमिली रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक ठाक रखें। फैमिली रिलेशनशिप में बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन होगी जिस पर बड़ी नज़र रखनी होगी। अपनी डीलिंग और व्यवहार पर नज़र रखें, खासतौर पर अगर आपको ऐसा मैटर है जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी और एसेट्स के साथ है। बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं। सोशल और रिलीजियस इवेंट्स में आना जाना बहुत होगा। बहुत सारी टेंशन्स हो सकती हैं। आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर लू ना लू, आप टेम्पर को कंट्रोल में रखें, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर में ना जाएं। बहुत सारे फ्रूटलेस रनिंग अराउंड होंगे। इनकम के रिसोर्सेज होंगे लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे। फैमिली डिफरेंसेस होंगे, फैमिली क्लैशेस भी बहुत होंगे। इस समय बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन भी बहुत सारे होंगे। और इस समय स्टम्बलिंग ब्लॉक, हर काम के अंदर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होंगे। और हार्ड वर्क जितना करेंगे उतनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। भाग दौड़ भी बहुत होगी, आमदन में राइज भी बड़ी होगी, लेकिन खर्चे ही बहुत होंगे। बहुत केयरफुल रहें अपनी फाइनेंस को लेके। वीकेंड तक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। हाईली एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक बने और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स डिलेज कॉम्प्लिकेशंस आपके रास्ते में आएंगी। बहुत एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे। आपकी सक्सेस आप अचीव करने में कामयाब होंगे। प्रोफेशनली बहुत बिजी होंगे, मेजर ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट खबरें भी मिलेंगी, आपके नाम में राइज होगी, एस्टैब्लिशमेंट में राइज होगी। और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होंगी, मेजर ऑब्स्टेकल्स डिलेज आपके चलते रहेंगे। हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, फैमिली के हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन घर परिवार के अंदर पैशन लव अफेक्शन केयर लेके आए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, एक्सपेक्टेड गेन तभी मिलेगा। ये टाइम पीरियड सपोर्ट और गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी। मेंटली तौर पर बहुत टेंशन होगी। हेल्थ आपका बहुत ध्यान रखें। इनकम के रिसोर्सेज आपके बहुत होंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। स्टेटस प्रेस्टीज में ऑनर में राइज होगी। घर के अंदर खुशहाली के फंक्शन होंगे, फाइनेंशियल अचीवमेंट भी होगी। जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। खर्च भी आपका होगा। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। एफर्ट्स लगातार लगाते रहे, जितनी ज़्यादा एफर्ट उतने बड़े स्टेटस। राइज इन एक्सपेंडिचर रनिंग अराउंड दोनों होगा। प्रोफेशनल इश्यूज़ आपके बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशन ही बहुत होगी। आपकी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप रहें, आप ट्रैवलिंग करेंगे, अपनी किसी पर भी अपनी नज़र रखें और अपने ऑफिशियल मैटर पे बड़ा ध्यान रखें। ऐसी कोई मैटर जिसका ताल्लुक हायर अथॉरिटीज़ के साथ हो, बहुत केयरफुली हैंडल करें। पाइसेस वीकली कंक्लूजन। इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारी भागदौड़ होगी। कंफर्ट इनकम के रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगे। हालात में इम्प्रूवमेंट होगी। अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा कर लें और बहुत ज़्यादा फैमिली और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। फैमिली इनहेरिटेंस को आपको मिल सकती है, लेकिन विचार करके चले। फैमिली आर्गूमेंट्स, डिफरेंस ओपिनियन, क्लैशेस को बड़ा पॉलिटिकली डेलिकेटली वाइजली हैंडल करना पड़ेगा। घर में फसाद नहीं चाहिए, प्रोफेशनल लोगों के साथ बना के रखें। बहुत सारे डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन हैसल्स की वजह से मन में परेशानी बहुत होगी। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, जगह तब्दील हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, टेम्परामेंटल अपना ठीक रखें, आउट ऑफ कंट्रोल एटीट्यूड ना दिखाएं। भागदौड़ बहुत होगी, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नए वेंचर आपको मिलेंगे। अपने बिहेवियर डिसीजन चॉइसेस उस समय के बनाएं। प्रोफेशनली बहुत बिजी होंगे, फैमिली कंफर्ट में राइज होगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। बहुत सारे फ्यू डिफरेंस ओपिनियन की वजह से आपके और आपके प्यारों के बीच में आर्गुमेंट हो सकती है, जहाँ जो नहीं होनी चाहिए। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे बहुत ध्यान दें और नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नए आइडियाज़ भी मिलेंगे, प्रोफेशनल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। बहुत फोकस रहेंगे, नए प्रोजेक्ट आपको मिलते रहेंगे और विचार करके चलें। आपका रूटीन प्रोग्रेशन आपको मिलता रहेगा। स्टेटस प्रेसेज में राइज मिलेगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें अपने रिलेशनशिप को लेके, हायर अथॉरिटीज़ को लेके। आप अपने प्लान को मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे। अपनी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करें और एफर्ट्स लगातार लगाएं। हाईली प्रोफेशनल के साथ कॉन्टैक्ट आपके बने रहेंगे, डिसीजन मेकर के साथ कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे। आपका फाइनेंशियल गेन बाइंग और सेलिंग में हो सकता है। टेम्पर लूज ना करें, गुस्से की आँच को कम करें। अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। आप अपने प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश कर सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना बहुत होगा, फ्रूटलेस रनिंग राउंड भी बहुत होगी, डिफरेंस ओपिनियन भी बहुत होंगे, लेकिन इस समय प्लानिंग जो बना रहे हैं उसमें बाहर जा सकते हैं, जॉइंट वेंचर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं
और किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉस से बच के रहना होगा। आपकी प्रोफेशनल एफर्ट जितनी ज़्यादा होगी उतने बड़े रिवार्ड होंगे। प्रोफेशनल डिसीजन मेकर से डीलिंग होगी, नॉलेजेबल लोग पीपल्स के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, उनसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट आपके लिए बहुत सारे सोल्यूशन लेके आएगी, आपकी मुसीबतें खत्म होंगी। अपनी फाइनेंशियल एफर्ट्स को जारी रखें, आप बहुत सारे प्लान को मेटेलाइज कर सकते हैं। आपके जॉब प्रोफेशन के अंदर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ड्राइव, डिसिप्लिन जितना होगा उतनी तरक्की है। डिफरेंस ओपिनियन आपको हैंडल करना होगा, गुस्सा कम करें और किसी भी तरह के फ्रॉड से बच के रहें। और इस समय कई बातों को लेके, फैमिली रिलेशनशिप को लेके थोड़ी बहुत टेंशन होगी, लेकिन घर में पैशन लेके आए, अग्रेशन नहीं। घर को भी थोड़ा काम डाउन करें प्लीज़। आपका इस वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी? अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं, मूड कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे, आपकी सोच कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन, जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते, वो अच्छे बना पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए, जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उभरने के लिए, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो? अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है, तो आप किस इंतजार में कर? इस तुरंत आप अपना वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लीजिए, वीडियो में भी है, रिटर्न में भी, जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है। हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com को विजिट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें। मैं चाहता हूँ कि आप सर्वसंपन्न हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और हारमोनियस जिंदगी में जी रहे हो।